नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी विशेष क्लास लेकर के। साथियों, आज कुछ स्पेशल होगा। वो क्या है कि आप लोगों ने जो पढ़ा अभी तक उससे संबंधित कुछ नई क्लास आपको मिलेंगी, और आपसे विनम्र निवेदन और प्रार्थना होगी कि इस क्लास को कम से कम 10 मिनट देखना। अगर पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। मैथ नहीं आती है ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप इस क्लास को पूरा नहीं देखोगे और ध्यान से नहीं देखोगे तो ये आपकी गलती होगी। तो भाई गलती मत करना। चलिए, एक्सरसाइज 3.2 पार्ट नंबर है 11, क्लास 6 की NCERT मैथ है। क्वेश्चन नंबर 3 हम आज आपको बताएंगे, और 2nd और 1st इसके पिछली क्लास में हो चुके हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, क्लास की लैंग्वेज हिंदी होगी लेकिन क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। केरला, कर्नाटक, मराठी हैं, कुछ भी हैं तब भी समझ में आएगा। संख्या 13 और 31 यानी कि 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है और भाज्य को फैक्टोरियल नंबर बोला जाता है, याद रखना। अभी भाज्य अभाज्य की थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता देंगे, ठीक है, समझना। कह रहा कि 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही है, 13 और 31 आर प्राइम नंबर। इन दोनों संख्याओं में दो अंक, अंक मीन्स डिजिट, 1 और 3 हैं। सबको दिख रहा है 1 और 3 हैं ये। कह रहा कि फिर 100 तक की संख्याओं में अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया ना, बुझा नहीं रहा ना एक को, देखिए अभी बुझाएगा, इधर समझिएगा। कहने का ये मतलब है कि जो दो संख्या यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सामने प्रदर्शित हैं, इनमें है एक 13 है और एक क्या है 31 है। इनमें अंतर क्या है कि इसमें 1 पहले है, 3 बाद में है, इसमें 3 पहले है, 1 बाद में है। और संयोग ये भी है कि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, दोनों अभाज्य है ना, दोनों क्या हैं प्राइम नंबर हैं। तो ये पूछा है कि 1 से लेकर के 100 के बीच इस तरह से और कितनी नौटंकी बाद संख्याएं हैं, ये बताना है। मतलब दो ऐसी संख्याएं और कौन कौन सी हो सकती हैं जिनको अगर क्रम बदल दिया जाए फिर भी अंक वही रहें। कुछ समझ रहे हो ना, जैसे 1 3 है तो ये 3 1 हो गया, इस तरह से और कितनी संख्याएं हैं। चलिए ट्राई करते हैं, ध्यान देना। 13 तो है ही, कह रहा इसके आगे और कौन सी संख्याएं हैं। पहला नंबर तो अगर हम बात करें 13 से कम, तो 13 से कम 11 और 12 केवल दो ही, 11 12 और 10 10 11 12 ये 3 संख्याएं हैं जो 2 अंकी हैं, बाकी सब 1 अंकी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इनके अगर अंकों का क्रम चेंज करोगे तो ये 0 1 हो जाएगा, दोनों में काफ़ी अंतर है। सबसे बड़ी बात तो ये है उसमें केवल अभाज्य संख्या लिखना है ना, केवल ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 12 तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है भाज्य संख्या है, ये बिल्कुल कैंसिल है, ये भी नहीं होगा, ये भी भाज्य है, कैंसिल है। हाँ ये है अभाज्य, ये अभाज्य है, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट इधर का उधर करो कुछ जना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 1 ही रहेगा तब भी, तो ये भी गड़बड़ है, इसमें नहीं आएगा, ये नहीं शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं 14 का अगर अंक उल्टोगे तो 41 होगा, लेकिन 14 एक भाज्य संख्या है, एक फैक्टोरियल नंबर है, तो आप 14 नहीं लोगे। बात करते हैं 15 की, 15 भी एक क्या है भाई, वो भी भाज्य संख्या है। तो लास्ट में बढ़ें तो 17 है, 17 17 क्या है, यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। हाँ तो इसको अगर पलटोगे तो 7 1 होगा, यानी ये आपका आंसर हो गया पहला, ये पहला आंसर हो गया आपका 17 और 71। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 19 और 91 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, चूँकि ये तो प्राइम नंबर है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, 91 इज अ फैक्टोरियल नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 23 की, आप जानते हो कि 23 ये प्राइम नंबर है, लेकिन इसको अगर पलटोगे तो 32 बनेगा, 32 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। इस तरह से आप कोई भी ट्राई करते चले जाओ कोई नहीं होगा। एक और होगा, वो क्या है 79 और इसका जो उल्टेगा तो 97, ये दोनों क्या है फैक्टोरियल नंबर है। एक और भी है इसके पहले जी, वो कौन सा था, वो है 37 और 73,
37 और 73। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के सही आंसर हो जाएंगे 17, 71, 37, 73 और 79, 97। नोट कर लो जल्दी से, ये तीन युग्म बनेंगे। लिख लो जल्दी जल्दी, छाप लो फटाफट। नहीं समझ में आया निसंकोच कमेंट करना, बिल्कुल क्लास को नहीं लाइक करना। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताना और लाइक मत करना। अगर आया तो तुरंत लाइक करना, देर मत करना फिर। चलिए, ये एक्सरसाइज 3.2 है ना। अब आप लोगों के मन में होगा कि ये भाज्य अभाज्य क्या होता है, फैक्टोरियल और प्राइम होता क्या है। तो देखो यारो, ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ जीरो लेवल बेसिक मैथ में, ठीक ना। कक्षा 5 तक आपने पढ़ा, मैंने इसको 3 में पढ़ाया, 2 में पढ़ाया, हर जगह ही पढ़ाया है। थोड़ा सा बता देता हूँ भाज्य और अभाज्य। देखिए, अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी से ना कटे, कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने लिखा 7, ये 1 से कटेगी, 7 से कटेगी। जैसे मैंने लिखा 13, 1 से कटे, 13 से कटे। इसमें जैसे लिखा, देखो 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, है ना। जैसे मैंने लिखा 12, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 12 से कटे। तो यही अंतर है। देखो, जो भाज्य हैं वो खुद से कटेंगी और बाकी दो किसी संख्या से कटेंगी। कहने का मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कटेंगी। अगर इसमें 1 को भी शामिल कर लें तो एक और बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं वो केवल और केवल 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी, जितना रहेंगी उतना सही, बाकी किसी से ना कटेंगी। तो ये होता है भाज्य अभाज्य। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा पर। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, गौर से। सेकंड नंबर नहीं, ये 4 नंबर है। कह रहा कि 20 से छोटी सभी अभाज्य यानी कि फैक्टोरियल एंड प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो भाई सिंपल सी बात है यार, 20 से छोटी मतलब 19 और 19 से लेके 1 तक, है ना, यही तो करना है, 19 से लेकर के 1 तक। तो चलो हम लिख देते हैं। पहले लिख लो अभाज्य, क्या लिख लो, अभाज्य जो किसी से ना कटे, एक से कटे और खुद से कटे, वो अभाज्य होती है। जैसे 19, 17, 15 नहीं लेना, 15 गलत हो जाएगा क्योंकि वो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 14 भी नहीं होगा, 13, 11, 7, 5, 3, 1 नहीं होगा। 0 और 1 ना भाज्य है ना भाज्य, ऐसा कह सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी ज़्यादा आगे इसके बाद में। देखिए, इसका जो रूल होता है भाज्य अभाज्य का, वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है, जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। हाँ, जैसे अगर 1 की बात करें तो 1 एक प्रकार से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो वो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ 1 के बारे में, ध्यान देना। देखिए, यहाँ से मैं आपका 2 बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, जिसे हम भी काफ़ी कन्फ्यूजन में सोच रहे थे। साथियों, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि 1 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, है ना। 1 संख्या, 1 यानी 1, ये फैक्टर है या फिर सॉरी क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल है या प्राइम है। तो देखो ना, ये तो प्राइम है ना फैक्टोरियल है, क्योंकि ये किसी भी रूल का फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, उसके लिए इसको कम से कम 2 संख्याओं से डिवाइड होना ज़रूरी है, 2 संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। एक तो 1 जो है ये 1 से डिवाइड हो, जो कि ठीक है, दूसरा ये खुद से डिवाइड हो। तो ये 1 भी वही है, खुद भी वही है, कहने का मतलब चोर भी वही है, जज भी वही है, तो फिर क्या होगा, कहाँ पालन कर रहा है, ये गलत है, नहीं होगा। दूसरा एक है 0, 0 क्या है, ये फैक्टर है या प्राइम है, मतलब प्राइम है फैक्टोरियल है। देखो यार, जो प्राइम या फैक्टोरियल की कहानी शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है, 0 कुछ नहीं है। इसे आप लिखोगे नॉन ऑफ दीज, अगर प्राइम या फैक्टर आ गया तो, ठीक ना। प्राइम और फैक्टोरियल, सॉरी, फैक्टोरियल और फैक्टर में अंतर होता है। फैक्टोरियल मीन्स होता है भाज्य, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो फैक्टर और फैक्टोरियल में अंतर समझना, नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। जल्दी से लिख लो तुरंत बिना देर करे हुए। और ये मत देखना कि ये क्लास कितनी छोटी होती है, ये देखना कि आपको उतनी छोटी में मिलता क्या है। गागर में सागर वाली क्लास होती है, इसलिए पूरा क्लास देखना, बहुत ही मस्त क्लास होती है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। और हाँ, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इसे डेमो के रूप में कहीं देख रहे हैं
तो आप PVR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और कंप्लीट कोर्स परचेज करें, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ही क्लास ऐसी उपलब्ध होती हैं, सभी नहीं होती हैं। तो भाई अगर क्वालिटी चाहिए, सुविधाएं अच्छी चाहिए, तो आप इतना सपोर्ट करिए जिससे कि हम आपके साथ लगे रहें और लोगों को भी इसमें जोड़ सकें। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बताने हैं किसके बीच में, कहाँ से 1 और 10। देखो 1 और 10 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो आपके सामने में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना ही होती है ना। 1 और 10 के बीच में बात बोल रहा था, है ना। चलो तो 1 और 10 के बीच इतना होता है। इसमें कह रहा सबसे बड़ी अभाज्य कौन है, भाई सिंपल सी बात है यार, 2 क्या है, अभाज्य तो है, सबसे बड़ी होगी तो पीछे से ही देखेंगे क्योंकि उधर बड़ी हो रही है। तो पहला नंबर तो ये अभाज्य है नहीं, ये भी अभाज्य नहीं है, ये है मुसीबत सबसे बड़ी अभाज्य। 7, इसका आंसर क्या होगा, 7। हाँ, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें से, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 और 10 के बीच अगर पूछा जाए टोटल कितनी अभाज्य नंबर हैं, कितनी प्राइम नंबर हैं, तो टोटल नंबर 4 हैं। कितने हैं, 4, ठीक है, ओके गुड। अगला देखना, अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 6 का NCERT मैथ आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मिला लो जल्दी से। इंग्लिश में भी बता दूं क्या इसको, कमेंट करके बताना अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोला जाए तो फिर ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। 6 नंबर, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। तो चलो हम भी एक्सप्रेस करते हैं क्या है ये, भाई एक्सप्रेस में क्या होगा, मतलब कहने का ये है कि एक संख्या दी गई है इसमें जिसको क्या करना है, तोड़ना है 2 पार्ट में, नंबर क्या है 44, इसको 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी कहने का मतलब 44 को जैसे हम लिख सकते हैं 22 धन 22, 44 हो जाएगा ना, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, गलत है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि निम्नलिखित को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, यानी ये दोनों अभाज्य नहीं है। अभाज्य क्या होती हैं इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक ना। तो चलो आगे देख लेते हैं, फिर उसी के बारे में बात करते हैं। देखो यार, 44 को ऐसा कुछ करो कि अभाज्य संख्या में टूट जाए। हाँ, तो अभाज्य संख्या ये हो सकती है कौन कौन, जरा सोचो, एक तो 19 हो गई, हाँ, लेकिन 44 से 19 घटाओगे कितना आएगा, 19 एक 20, 24 बचेगा ना, 23 हो जाएगा क्या, ओके देखो 23 होता है क्या, ना 23 होगा ही नहीं, 25 अगर लिखेंगे तो 25 अभाज्य होगी नहीं, तब तो यार मुसीबत हो जाएगी। सोच के बताओ कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनको अगर जोड़ दें तो दोनों मिला के 44 हो जाएं। चलो बताओ जल्दी से, ऐसा कोई संख्या नहीं है जैसे आप देख रहे हो, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, तो हम तो बहुत आगे निकल गए हैं यार। ये होगा 3 और 41, देख लो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अगला देखना, 6 में बी, बी नंबर है 36, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, फट से बताओ तुरंत, इसको 2 पार्ट में तोड़ो लेकिन दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ट्राई करके देखो, ये पार्ट नंबर आपका कौन सा है, 0 लेवल, इसके आधार का 11 नंबर पार्ट है, कक्षा 6 का ये 11वां पार्ट है, 9वां पार्ट विशेष था जो कि YouTube पे नहीं है, सिर्फ ऐप में है, 10वां पार्ट आप YouTube से देख सकते हो। अगर कोई पार्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो 36 दोनों अभाज्य संख्या हो, जोड़ो, हाँ हो जाएगा 5 धन 31, 5 भी अभाज्य संख्या, 31 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन है 24, इसको खुद से बताना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका बताना और 18 का भी बताना।
चलो इनका आंसर देना। सातवां क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज टू। बड़ा गजब का सवाल है। गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर, गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर मतलब तीन ऐसे अभाज्य संख्याओं के जोड़े बताओ जिनको अगर घटाया जाए तो दो आए। हाँ बिल्कुल आसान सा है, आ जाएगा। दो ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जिनको घटाएं तो दो आए। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया पाँच, एक ले लिया तीन, इनको घटा लो तो ये आ गया दो। बस कुछ ऐसे ही चाहिए, कुछ ऐसा कर कमाल, है ना? आगे तो आप लोग जान ही रहे हैं। आ गया, चलिए अगला। एक और भी कोई बता दो ना, एक तो मैंने बता दिया। एक मैं और बता देता हूँ, पाँच और सात ले लो एक। अब आप बताना, तीन जोड़े पूछा था मैंने, एक लिख दिया, बी लिख दिया, सी वाला आप बताना। कमेंट करके बताना अगर आप कहीं डेमो देख रहे हो तो, अगर आप इसे ऐप में रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो फिर ठीक है। नोट्स बनाइए ईमानदारी के साथ और पूरा कंप्लीट करिए। हाँ, जो भी छात्र छात्राएं क्लास को ज्वाइन किए हैं वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज करके चेक करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनका क्वेश्चन चेक करके उनको बताया जाए कि हाँ तुम्हारा चेक हो गया है, ठीक ना? अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है या कोई कमी पाई जाती है तब आपसे संपर्क किया जाता है। अगर आपका सब सही होता है तो कोई जवाब नहीं दिया जाता या फिर कोई भी आपको कुछ नहीं बताता है। अगर गलत होता है तो आपको संपर्क किया जाएगा कि हाँ आपका गलत है, इसको ऐसा नहीं करना है। चलिए अठारह नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। बहुत आसान सा है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। जैसे पहला है 23, चलो बताओ प्राइम है कि नहीं है। अरे बोलो यार, कोशिश तो करो। 53 प्राइम है या नहीं है? 37, 26, इनमें कौन कौन प्राइम है? प्राइम तो आप लोग लेना चाहते हैं लाइफ में बहुत जगह, लेकिन प्राइम चीज़ें मिलती कम है। प्राइम मतलब जानते हो, अभाज्य, जैसे सूर्य और चंद्रमा। चांद तारे तोड़ने की कोशिश हर कोई करता है ना, क्योंकि वो प्राइम है। प्राइम मतलब आसमान में, या फिर बोला जाए संसार में एक ही सूर्य है, तो इसका मतलब क्या है? वो अभाज्य है, प्राइम है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। चांद एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, है ना? तभी लोग बहुत सी चीज़ों की तुलना चांद से करते हैं, इसीलिए। तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो आप जानते हो ये किसी और भी नंबर से नहीं कटेगी। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं। क्यों? कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा खटक पटक की जो अभाज्य संख्याएं हैं यानी ऑड नंबर हैं वो प्राइम नंबर हैं, और जो इवन नंबर है वो प्राइम नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है लेकिन ये भी प्राइम नंबर है। 15 एक ऑड नंबर है लेकिन ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम की डेफिनेशन मैंने शुरू में बता दिया, अगर शुरू में नहीं देखे हो ना तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम बिटवीन देम। क्या होता है इसका मतलब इंग्लिश में, मुझे नहीं मालूम, आप लोग बताना। फिर से बता, मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन। बिटवीन मतलब उनके बीच में होता है ना? तो चलो ठीक है, इसका मतलब कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत। सुन लो फिर से एक बार, हिंदी में सुन लो। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। मतलब बड़ी अजीब सी कहानी है ये। चलो ठीक है, 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्याएं लिखो, और वो भी क्या हो? सम हो। सॉरी, सम नहीं हो मतलब भाज्य हो, और उनके बीच में कोई अभाज्य ना आए, नहीं तो शायद बिगड़ जाएगी। तो आप जानते हो कि क्रमागत और सीरियल से आए और 7 संख्या हो, उनके बीच में कोई अभाज्य ना आए, मतलब सब भाज्य हो एक तरफ से, तो कहाँ मिलेंगी वो?
कहाँ मिलेंगी? पता है कहाँ मिलेंगी? वो होंगी 90 से शुरू होंगी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, उसके अलावा और कहीं नहीं होंगी। देखो 90, 91, 92, 93 होगी क्या? 94, 95, 96। हाँ कर लो कर लो, फिर अभी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना यार, सब सही है, इसमें कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। कुछ लोगों के दिल में उठक पटक मच रही होगी, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। कौन कहता अभाज्य है? ये भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि ये कटती है जी। आपको अगर पहाड़े नहीं आता इसका मतलब ये गलत नहीं है। ये 3 से कट जाएगा, 13, 7 से कट जाएगा ना, 7 से 13, 7, 91, 13 आएगा। ये 3 से कट जाएगा, 31 आएगा। बाकी तो आप जान ही रहे हो, सबसे परिचित हो। ये 19 से कटेगा, 5, 9, 45 और 5, 1, 5, 4, 9, 19, 5, 95। और कौन नहीं कटेगा? इनसे तो परिचित हो ना। तो ये हो गई सात कर्मगत अभाज्य संख्या, सात कर्मगत भाज्य संख्या यानी कि फैक्टोरियल नंबर, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य नहीं है, सब शुद्ध शुद्ध हैं। छाप लो जल्दी जल्दी से, ये क्लास थोड़ी सी लंबी खींच रही ना, तो टेंशन मत लेना, पूरा भी तो करना है ना हमें। 10वां नंबर पर चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर ध्यान से देखो, और हाँ अगर इस क्लास को आप कहीं डेमो के रूप में देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, अनअकैडमी, कहीं भी, तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। आप PBR स्टडी आप इंस्टॉल करें, कंप्लीट कोर्स देखें, समझाने की गारंटी होगी, देखना आपको पड़ेगा। 10 हो गए, 9 हो गए जी, 10 नंबर पे बढ़ूं? ओके ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। भाई इसका मतलब क्या होता है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का ये मतलब है इनके 3 टुकड़े करो, और लेकिन तीनों टुकड़ा क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, तीनों टुकड़ा प्राइम होना चाहिए, कोई भी फैक्टोरियल ना हो। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, हिंदी में सुन लो क्वेश्चन नंबर 10, चूंकि मैं हेडिंग नहीं लिखूंगा, केवल मतलब समझाऊंगा। अगर आप पढ़ रहे हो ना, कॉपी पेन लिए हो, तो क्वेश्चन को नोट कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ तो 10वां का पहला नंबर है 21, इसे 3 संख्या में तोड़ो लेकिन तीनों अभाज्य हो। बहुत आसान है, 7, 7, 14, 7, 21, ये तीनों अभाज्य हैं। दूसरा का कहता है, दूसरा कहता है 31। जरा दिमाग लगा के बताओ बाबू क्या होगा ये, कोशिश करिए बताइए। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसी तरह तोड़ो 3 भाग में, सी वाला भी लिख लो। सी वाला का कह रहा है भाई 53, डी वाला कह रहा 61। दिमाग ना लगाना पड़े और आंसर भी आ जाए तो फिर किस्मत वाले होंगे आप। चलिए बताइए 10 नंबर, बोलिए फटाफट बोलिए। आया कुछ? कमेंट करिए, बताइए इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मैं बताऊं? इसको तोड़ दो 3, 11 और 17। देखो होता है ना, 14 हो जाएगा, 7, 4, 11, हाँ सिले 1, और क्या होगा, 3, 1, 4, 5, ज़्यादा हो जाएगा का यार, नहीं ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, 17, 10, 27, 28, 28 में 3 जोड़ोगे 31, ठीक है गुड। इसका बताना अब मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने 2 बता दिया है, तीसरा आप कर लो खुद से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि खाली खाली है ना, मतलब दिमाग खाली खाली नहीं, नंबर खाली है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट, एक्सरसाइज 3.2, क्लास 6
एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ्स यानी कि गणित की क्लास है ये। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। हिंदी और देसी भाषा में बोलेंगे कि निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। अब सुन लो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन क्या है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। हेडिंग लिख लो बाबू साहब, लिख लो आप लोग इसको अपने से, क्या चाहते हो हम ही सब लिखें। वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक क्या कहलाती है, वो संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक, एक क्या कहलाती है बताओ, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ओनली टू फैक्टर, अ नंबर हैव ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कैसे, अभी तो सब रटे रटाए हो ना, जैसे मैंने दिखाया था ये, इसके टू फैक्टर हैं, एक तो वन है एक से वन है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे ना तो दुई चार आठ, एक भी लिख लो, चार फैक्टर है। तो पहले में कब भरोगे, पहले में भरोगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, क्या भरोगे, अभाज्य संख्या। दूसरा दूसरा क्या कहता है, इंग्लिश में बोल दूं दूसरा, चलो ठीक है, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसमें दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा, सब पढ़े लिखे हो आप लोग, फैक्टोरियल नंबर, क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल नंबर यानी कि भाज्य संख्या। लिख लो, क्या लिखोगे, भाज्य संख्या। और कुछ और नहीं, चलिए ठीक है, ओके, अगला देखो, चलिए अगला चलते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया, सी पे देखते हैं, दौड़ते हैं। वन नेदर नार, मतलब ये कह रहा है यार ये बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गंदा है, ये देखो यहाँ मैं मैदान बना रहा हूँ, वन फिर नेदर यानी आई टी एच ई आर, देखो हिंदी में समझ लो, कहने का मतलब एक जो है ना फिर डैश फिर ना, कहने का मतलब ये है यार, सीधे सीधे समझ लो एक बात में, कि वन जो है वो ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ओके, क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, बस इतना जान लो, वही भरना है, वन क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक, ओके, एक ना तो डैश है और ना ही डैश है, एक में भाज्य भरोगे एक में अभाज्य भरोगे, ओके। दूसरा दिखाइए कार्ड वाले स्क्रीन में, दोनों दिखाइए कार्ड, आगे चलें, डी नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अरे यार बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ये, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ, एक कहानी सुना होगा, मैं पीछे साल से बता रहा हूं कि दो एक ऐसी संख्या है जैसे राक्षस राज रावण की नगरी में भक्त विभीषण थे, ऐसा क्यों, क्योंकि दो जो है एक सम संख्या होते हुए भी बगावत कर रही है, और ये अब क्या है, अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर भी यही कहलाएगी, ठीक ना, ओके, सबसे छोटी प्राइम नंबर भी यही कहलाएगी, आगे बढ़े हम सब, चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। नंबर ई नंबर का कहता है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो फैक्टोरियल भी बोलते हैं भाज्य को, कंपोजिट भी बोलते हैं, फैक्टोरियल भी बोलते हैं भाज्य को, कंपोजिट भी बोलते हैं, दोनों एक है, जैसे किसी किसी का नाम होता है, घर का नाम रामू, स्कूल का नाम सोहन, है ना, ऐसे ही हो गया, ओके ठीक है, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए कहने का ये मतलब है ना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो आपकी शुरू होती है वो चार से होती है, कहाँ से, चार से, इसमें आप फोर लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर, हो गया डन। अगला, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इच, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया, मतलब भाज्य संख्या हो गई, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या जीरो से होता है ना, क्या हो जाएगा, जीरो सबसे छोटी सम संख्या होगी कि नहीं बताओ कमेंट करके, नहीं होगी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, दो होगी,
क्या होगी? दो, जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो जो है वो किसी भी सम संख्या के रूल का पालन नहीं करती है। जीरो अकेले में कुछ नहीं होती है, ये किसी के साथ मिल करके ही सारे कलाकारी करती है, अकेले कुछ नहीं होती है। ओके, देखिए अब आपकी ये क्लास जो है ना यहीं पर ख़त्म हो गई है। आपने देखा 30 मिनट में 90 नहीं तो 100 क्वेश्चन आपने देख लिया। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई ना तो तुरंत लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप डेमो देख रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन कॉल के नंबर पर हमें संपर्क करें, या फिर विजिट करें pvrstudy.com, या हमें ईमेल करें pvrstudy@gmail.com पर। साथ ही पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मिलेंगे फिर, जय हिंद। और इस वीडियो को जाते जाते अगर आप डेमो के रूप में देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे।